हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बाय अनूप श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हिंदी के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स, आपके 10 में से कितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज हिंदी का पहला मॉक टेस्ट। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला प्रश्न है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। दोस्तों, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? पहला है लेखन, दूसरा है सुनना, तीसरा है अक्षर ज्ञान, चौथा है संप्रेषण। तो दोस्तों, आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। दोस्तों लेखन नहीं होगा। दूसरा है सुनना भी महत्वपूर्ण प्रकार नहीं है, सबसे अति महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? तीसरा है अक्षर ज्ञान, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चौथा है संप्रेषण। हाँ दोस्तों, संप्रेषण ही इसका राइट आंसर है, संप्रेषण ही इसका सही उत्तर है। संप्रेषण का मतलब होता है एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करना, दूसरे की बातों को सुनना, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है सर्वाधिक? वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुतलेख, सुलेख। तो दोस्तों, आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? पहला है, आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, पहला है वर्तनी, दूसरा है मौलिक विचार, तीसरा है श्रुतलेख, चौथा है सुलेख। लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात की जाए तो वर्तनी, दोस्तों ये रंग हो जाएगा। दूसरा है मौलिक विचार, ये भी दोस्तों रंग है। तीसरा है श्रुतलेख, जी हाँ यही दोस्तों आपका आंसर सही है, इसका तीसरा आंसर ही सही है, क्योंकि लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? श्रुतलेख। जब अध्यापक बोलता है तो बच्चा या बालक जो है सुनकर लिखता है, तो उससे लेखन क्षमता में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसको माना जाता है? श्रुतलेख कर, सुनकर लिखना, उससे जो है भाषा का विकास ज्यादा तीव्र गति से होता है। तो दोस्तों, दूसरे का तीसरा सही हो जाएगा, श्रुतलेख, सुलेख है ये रॉन्ग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। दोस्तों, भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है? पहला है आर्थिक, दूसरा है सांस्कृतिक। किस संदर्भ में? आर्थिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में, तीसरा है नैतिक संदर्भ में, बहुभाषी संदर्भ में। तो दोस्तों, आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, तो दोस्तों भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है, किस संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है? आर्थिक संदर्भ में, जी नहीं, पहला रंग हो जाएगा। दूसरा है सांस्कृतिक, दोस्तों ये भी आपका आंसर रंग है, सांस्कृतिक संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है नैतिक संदर्भ, जी नहीं, ये भी आपका आंसर रॉन्ग है। चौथा है बहुभाषी, जी हाँ आपका ये चौथा आंसर सही हो जाएगा, भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बहुभाषी, अर्थात चौथा नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुभाषी अर्थात जब भी भाषा शिक्षण में बालक पढ़ता है, अध्यापक पढ़ाता है, तो उस समय बहुभाषी संदर्भ को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी,
और साथ साथ में मातृभाषा को भी शामिल किया जाए, स्थानीय भाषा को भी शामिल किया जाए, जिसे बिलिंगुअल मेथड कहते हैं। तो दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है, बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है, कौन सा मुहावरा है बहुत निकट आना? तो दोस्तों अव्वल आना, तोता रटन, पास आना, सर पर आना। तो दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, पहला है अव्वल आना। जी नहीं, ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तोता रटन, जी नहीं, ये भी आपका आंसर रॉन्ग है। पास आना, बहुत निकट आना, पास आना, दोस्तों ये भी इसका मुहावरा नहीं है। बहुत निकट आना, सर पर आना, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है सर पर आना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? दोस्तों ऑप्शन है, छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मज्ञान जगाना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मज्ञान जगाना। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य में ये तीनों ऑप्शन सही है। प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, छात्रों की संबंधी ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों में आत्मज्ञान जगाना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा। तो इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? दोस्तों बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? पहला है नाओम चॉम्स्की, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है इवान पावलोव, चौथा है एल एस वाइगोत्स्की। दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह मुख्यतः किसका विचार है? तो दोस्तों पहला है नाओम चॉम्स्की। दोस्तों ध्यान देना, जी हाँ पहला आंसर नाओम चॉम्स्की ही सही है, क्योंकि भाषा सीखने की कौशल के ऊपर किसने विचार दिया है? नाओम चॉम्स्की। अधिकतर सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर पूछता है, आप रख लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन भाषा विकास से जरूर पूछेगा और नाओम चॉम्स्की का कहीं ना कहीं नाम जरूर आएगा। तो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार नाओम चॉम्स्की का है। दूसरा है जीन पियाजे, जी ये रॉन्ग है, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। इवान पावलोव, जी ये भी रॉन्ग है। एल एस वाई गोत्स्की, ये भी रॉन्ग आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, जगजीवन में समास है, दोस्तों जगजीवन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, ये सभी। तो दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, द्वंद्व समास, जी नहीं, एक दूसरे से विरोधाभास नहीं है। तत्पुरुष, जी हां आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जग जीवन, जिसमें कारक का लोप होता है, जग का जीवन, अर्थात कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। द्विगु, जी नहीं, द्विगु नहीं होगा, संख्यावाची नहीं है, ये सभी का कोई मतलब ही नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा का प्राथमिक रूप है, दोस्तों भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? पहला है सांकेतिक, भाषा का पहला रूप क्या है? भाषा का प्राथमिक रूप किसे माना जाता है या कौन सा है? सांकेतिक। दूसरा है व्याकरणिक, तीसरा है लिखित, चौथा है मौखिक। तो दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, भाषा का प्राथमिक रूप, जी हाँ दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? सांकेतिक। संकेत के माध्यम से ही बच्चा हर चीज शुरू करता है, बालक शुरू करता है। तो व्याकरणिक, जी रॉन्ग है। तीसरा, ये भी रॉन्ग है। चौथा, ये भी रॉन्ग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। समावेशी शिक्षा में क्या निहितार्थ है, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो दोस्तों बनाया है। आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। सारी वीडियो वहां पर अपलोड किया था मैंने। समावेशी शिक्षा हो गया, थांडाइक का अधिगम सिद्धांत हो गया, जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, मनोविज्ञान के सारे क्वेश्चन, सारे वीडियो मैंने बनाया है। हिंदी से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाकर अपलोड किया है। तो दोस्तों जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नवा क्वेश्चन है दोस्तों, समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है, क्या निहित है? सामान्यकरण, असमायोजन, संस्थायुक्त शिक्षा, विभाजन। तो दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। समावेशी शिक्षा दोस्तों, समावेशी शिक्षा वो है जिसमें सामान्य बालकों को श्रेष्ठ बालकों के साथ, अर्थात यदि कोई अधिगम विकार बालक है, अधिगम अक्षम बालक है, तो उसको श्रेष्ठ बालकों के साथ शिक्षा दी जाए, यही समावेशी शिक्षा है। अर्थात सामान्य बालकों को श्रेष्ठ बालकों के साथ, प्रखर बालकों के साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, सामान्यकरण, अर्थात सामान्य शिक्षा, जो पिछड़े हुए बालक हैं और श्रेष्ठ बालकों को एक साथ मिला के शिक्षा दी जाए, जिसे सामान्यकरण कहते हैं। असमायोजन दोस्तों ये रंग है, संस्थायुक्त शिक्षा ये भी रंग है, विभाजन ये भी रंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। सापेक्ष का विपरीतार्थक शब्द है, सापेक्ष का विपरीतार्थक शब्द है, अर्थात सापेक्ष का उल्टा विलोम क्या होगा? विपेक्ष, निपेक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। तो दोस्तों आपने अपना ऑप्शन लगा लिया होगा। पहला है विपेक्ष, तो दोस्तों ये रंग है, सापेक्ष का उल्टा नहीं होता है। निपेक्ष दोस्तों ये भी रंग है, सापेक्ष का उल्टा होता है, विलोम होता है निरपेक्ष। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, आपेक्ष ये दोस्तों रंग है। तो दोस्तों आपके 10 में से कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।